वेलकम टू सक्सेस इज। आज दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हमने बात करी कि क्या एस्टिमेट होता है, क्या क्यों वैल्यूएशन की ज़रूरत है, क्यों हम ये सब पढ़ना चाहते हैं, और कुछ अलग अलग चीज़ें देखी जो टेक्निकल टर्म्स थे हमारे। उसमें मैंने एक लमसम आइटम्स बताया था आपको। लमसम आइटम्स में एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा, टूल्स एंड प्लांट्स। टूल्स एंड प्लांट्स, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन आप करना चाहते हैं उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए भी आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी। उस मशीनरी के लिए भी हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि कितना कॉस्ट आ जाएगा, तो हमने इसके लिए भी 1 से 1.5% पहले से भी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है प्रोजेक्ट की, उसका 1 से 1.5% हम टूल्स एंड प्लांट्स के लिए भी रख लेते हैं। ठीक है, मैं कमेंट्स लेक्चर टू। अच्छा ठीक है, तो मैं ये बात कर रहा था कि टूल्स एंड प्लांट्स के लिए आपको 1 से 1.5% की ज़रूरत पड़ेगी। तो 1 से 1.5% हम पहले से ही लमसम आइटम्स की तरह टूल्स एंड प्लांट्स के लिए भी रख लेते हैं, तो वो कल के टॉपिक में आप जोड़ लीजिएगा अपने पास। उसके बाद हम एस्टिमेट्स देख रहे थे, टाइप ऑफ एस्टिमेट्स देख रहे थे। टाइप ऑफ एस्टिमेट्स में हम बात कर रहे थे कि दो टाइप के एस्टिमेट हैं, एक अप्रॉक्सीमेट और एक डिटेल्ड एस्टिमेट। तो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में हमने बात करी थी सबसे पहले प्लिंथ एरिया एस्टिमेट की, फिर उसके बाद हमने बात करी थी क्यूबिकल कंटेंट या फिर क्यूबिकल रेट एस्टिमेट की। उसके बाद हमने बे एस्टिमेट की भी बात करी थी, टिपिकल टाइप बे एस्टिमेट। इसके बाद चौथा जो हमारे पास एस्टिमेट है, टाइप ऑफ एस्टिमेट अप्रॉक्सीमेट में, वो फोर्थ है हमारे पास, सर्विस यूनिट एस्टिमेट। देखिए क्या होता है कि कुछ टाइप के जो एस्टिमेट हैं वो सर्विस के हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हॉस्पिटल का, तो अगर वहाँ पे ये देखा जाता है कि 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना है या 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है या 1000 बेड का हॉस्पिटल, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि जी हाँ 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, तो 1000 बेड के हॉस्पिटल बनाने में मुझे लगभग इतना 2 करोड़ रुपए लग जाएगा, या मुझे 100 बेड का हॉस्पिटल बनाना है तो मेरा 50 लाख रुपए लग जाएगा। तो वो पर यूनिट बेड के हिसाब से हम डिफाइन कर लेते हैं कि अगर हमें पर यूनिट बेड पता है तो हम कितने भी बेड का बनाना चाहें उस हिसाब से बना सकते हैं। तो सर्विस यूनिट होता है, ये सर्विस पर डिपेंड है। ठीक है, जैसे स्कूल्स में पर स्टूडेंट के हिसाब से, स्कूल का एग्जाम्पल ले लें तो पर स्टूडेंट के हिसाब से, कि स्कूल की स्ट्रेंथ अगर हम 5000 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ का स्कूल बनाना चाहते हैं तो उसमें कितना अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ जाएगी, तो वहाँ पर सर्विस के हिसाब से। तो सर्विस के लिए भी एस्टिमेट अगर आप निकालना चाहें तो एस्टिमेट क्या होगा, ठीक है, जो भी आपकी क्या कहते हैं उस एरिया में सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, मल्टीप्लाई बाय रेट पर सर्विस। ठीक है, मतलब कि उस पर यूनिट सर्विस को प्रोवाइड करने का कितना रेट है, और आपको वो 100, 1000, 200, 500 किस वैल्यू ऑफ उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सर्विस के लिए एस्टिमेट तैयार करना है। ये सब अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट है। अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट आप समझ चुके हैं कि चार टाइप के एस्टिमेट हैं, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डिटेल्ड एस्टिमेट की बात कर लेते हैं। तो डिटेल्ड एस्टिमेट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए डिटेल्ड एस्टिमेट में, डिटेल्ड डिटेल्ड एस्टिमेट में पहला टाइप का एस्टिमेट है आइटम रेट एस्टिमेट। पहला है आइटम रेट एस्टिमेट। अगर मैं आइटम रेट एस्टिमेट की बात करूं, देखिए डिटेल्ड एस्टिमेट है मतलब मैं एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहता हूं कि कितना पैसा जो है, मैं एक्चुअली ट्रू वैल्यू ही चाह रहा हूं मैं। अब उसमें मैंने कहा कि एस्टिमेट पहले प्रोबेबल कॉस्ट है, लेकिन यह है कि हाँ अगर ये भी बोला था कि 500 करोड़ अगर लगने वाला है तो मैं 500 करोड़ के आसपास ही लगेगा डिटेल के केस में। अप्रॉक्सीमेट के केस में 500 से वैल्यू ऊपर भी बहुत जा सकती थी और नीचे भी बहुत ज़्यादा जा सकती थी, लेकिन डिटेल के केस में जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा दूर या पास नहीं रहेगी, मतलब ज़्यादा दूर पास रहेगी। ठीक है, तो डिटेल्ड रेट एस्टिमेट में मैं बात करूँ तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि कितना क्वांटिटी उस आइटम का यूज़ होने वाला है। टेबल मैं आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले करा देता हूँ, टेबल आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी।
हाँ तो ये टेबल की बात दिखेगी। तो टेबल में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले टेबल में सीरियल नंबर है, तो जो भी आइटम है आप उसका सीरियल नंबर डाल दीजिए, उसके बाद आइटम का नाम डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद कितने नंबर ऑफ आइटम्स उस पर्टिकुलर, जैसे मान लेते हैं कि सीमेंट के बैग्स लग रहे हैं तो आपने लिख दिया कि जी नंबर में 10 बैग लग रहे हैं या 100 बैग लग रहे हैं या 500 बैग लग रहे हैं, तो नंबर ऑफ बैग्स आपने डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद लेंथ विड्थ, ये तो नंबर ऑफ बैग्स में कैलकुलेशन है सीमेंट का, तो आप सीधे क्वांटिटी बता सकते हैं कि जी हाँ सीमेंट है 10 बैग यूज़ हो रहे हैं तो टोटल क्वांटिटी कितनी 10 यूज़ होनी है। या मैं कह देता हूँ कि जैसे आप वॉल बनाना चाह रहे थे, ठीक, तो वॉल में आपने लिख दिया कि सीरियल नंबर 2, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया आपने कि वॉल, और कितनी वॉल बना रहे हैं, 4 वॉल बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपने नंबर में भर दिया 4 वॉल। अब उस वॉल की क्या लेंथ है वो आप लेंथ सेक्शन में भरेंगे, क्या उसकी विड्थ है या हम कह सकते हैं ब्रेथ है आप वो दूसरे सेक्शन में डेप्थ वाले सेक्शन में आपने फिल कर दिया। उसके बाद आपने डेप्थ या फिर जो भी आप हाइट कहना चाहें हाइट कह लीजिए, डेप्थ कहना चाहें डेप्थ कह सकते हैं, तो डेप्थ या हाइट वाले सेक्शन में आपने उसकी हाइट भर दी। अब आप इसके बिहाफ पे क्या निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के बिहाफ पे आप निकाल सकते हैं कि कितना वॉल्यूम उस वॉल को बनाने में आपका टोटल मटेरियल इस्तेमाल हो जाएगा। तो अब उसके आप पर्टिकुलर वॉल के अंदर कितना सीमेंट है, कितना सैंड इस्तेमाल होने वाला है, कितना एग्रीगेट इस्तेमाल होने वाला है या कितनी ब्रिक्स इस्तेमाल होने वाली हैं, वो आप उसके अंदर सब आइटम्स बना सकते हैं। उसके बाद आप टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं क्वांटिटी के अंदर कि कितना क्वांटिटी ऑफ आइटम उसका टोटल यूज़ हो जाएगा, और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपके पास रह जाता है, कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो कि आपको ऐसा लगता है मुझे कल को याद रहनी चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन में उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद जब आप क्वांटिटी निकाल रहेंगे तो क्वांटिटी निकालने के बाद दूसरी टेबल आपकी स्क्रीन पर आ रही है, तो इस टेबल में आपको इसको फिल करना है। अब वही जो आइटम नंबर वहां पे था उस आइटम नंबर को मैं इस टेबल में फिलअप कर दूंगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वही पर्टिकुलर कि कौन सा आइटम है उसमें कितनी क्वांटिटी इस्तेमाल होने वाली है वो क्वांटिटी में भर ली जाएगी, कितना वॉल्यूम मैं उसका यूज करने वाला हूँ। और अब मान लेते हैं कि आपने एक वॉल बनाई थी तो एक वॉल में इतनी क्वांटिटी इस्तेमाल हो रही थी, तो आप यूनिट में भर सकते हैं कि मैं 4 वॉल ऐसी बनाना चाहता हूँ, तो 4 भर दिया आपने। और नेक्स्ट कि मैं क्या भर सकते हैं, रेट, कि एक वॉल को बनाने में कितना रेट है, तो आपने रेट भर दिया। उसके बाद आप ये रेट और रेट जो आपका दो कॉलम रेट के दिए हैं इक्वली हैं, ये इसमें दो बन गए हैं लेकिन एक ही है ये कॉलम। इसके बाद आपके पास अमाउंट है, तो एक वॉल बनाने में इतना पैसा लगा था, सॉरी एक वॉल बनाने के लिए इतना वॉल्यूम चाहिए था, तो यूनिट आपने डिफाइन कर रखी है 4, तो आप 4 वॉल बनाने के लिए कितना वॉल्यूम यूज़ हो जाएगा आप उसमें भर सकते हैं। प्लस रेट आपके पता है, रेट बताने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि एक वॉल के लिए इतना रेट था, तो रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 वॉल है आपके पास, एक वॉल को बनाने का मान लेता हूँ कि 20,000 रुपये लग रहा है, तो 4 वॉल हैं तो मतलब 80,000 रुपये, तो अमाउंट में कितना भर देंगे आप, 80,000 रुपये भर देंगे। तो आपको अमाउंट इस तरह से क्या करनी है, स्टेप बाय स्टेप अमाउंट तक आना है कि एक वॉल बनाने में मेरी इतनी लेंथ होगी, इतनी विड्थ होगी, इतनी ब्रेड्थ होगी, इसके हिसाब से इतना वॉल्यूम यूज़ हो जाएगा, उसके वॉल्यूम क्या, अब मुझे पता है कि पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना पैसा लगने वाला है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ, एक वॉल्यूम का रेट अगर मुझे पता हो पर मीटर क्यूब का, तो मैं टोटल कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं अमाउंट के सेक्शन में शो कर दूंगा। तो ऐसे नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, उन सारे नंबर ऑफ आइटम्स को आपको शो करना है इसी टेबल के अंदर, और आप लास्ट में क्या निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं। ये आइटम रेट एस्टिमेट है। अब डिटेल में भी कई टाइप के एस्टिमेट है, ये पहला था आइटम रेट एस्टिमेट। अब आइटम रेट एस्टिमेट बेसिकली कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको आने वाले टाइम में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे किया जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप का एस्टिमेट भी है, समझने की कोशिश करते हैं दूसरे टाइप एस्टिमेट को। दूसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ठीक है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट को समझने की कोशिश करेंगे कब निकाला जाता है। देखिए आपने क्या कहा, आपने कहा कि मैं बिल्डिंग बनाना चाहता हूं 3 फ्लोर की, तो आपने जो आपने एस्टिमेट तैयार करा होगा और जो सैंक्शन कराया होगा 3 फ्लोर का कराया, तो आपके पास जो पैसा अलॉट हुआ वो भी 3 फ्लोर के हिसाब से अलॉट हुआ, लेकिन बनाते बनाते आपका जो ओनर है, लैंड का ओनर है जो आपसे प्रोजेक्ट करवा रहा है, उसने कहा जी नहीं आप 5 फ्लोर का बनाइए, मैं 3 का नहीं 5 फ्लोर का चाहता हूँ, तो 5 फ्लोर के केस में आपको क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा इसको दोबारा आपको एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा।
उस एस्टिमेट को दोबारा तैयार करने के लिए आपको पूरा एस्टिमेट दोबारा से बनाना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा एस्टिमेट आप दो फ्लोर के लिए जो एस्टिमेट आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं वो कैसा होगा? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होगा। क्यों? क्योंकि पहले आपने बोला था कि मैं तीन फ्लोर की बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, अब आप बोल रहे हैं कि मैं पांच फ्लोर की बनाना चाहता हूँ, तो पांच फ्लोर के केस में दो फ्लोर का एक्स्ट्रा पैसा चाहिए हमें उसको बनाने के लिए। जब हमें एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, और उसी एक्स्ट्रा एस्टिमेट को मैं क्या बोलता हूँ? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बोलता हूँ। क्लियर है मेरी बात? तो सप्लीमेंट्री एस्टिमेट तब बनाया जाता है जब मैं कोई एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ। जितना भी ओरिजिनल सेंक्शन मेरा एस्टिमेट था, उस सेंक्शन से अगर मैं एक्स्ट्रा कोई काम करता हूँ उसके लिए जो मुझे एस्टिमेट की जरूरत पड़ेगी उसके लिए मैं कौन सा एस्टिमेट बनाऊंगा? सप्लीमेंट्री एस्टिमेट बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट। देखिए, एस्टिमेट रिवाइज्ड एस्टिमेट नाम में लिखा है कि रिवीजन करना है एस्टिमेट का, लेकिन जब जरूरत होगी तभी तो हम एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे। तो ये एस्टिमेट कब रिवाइज किया जाता है? सबसे पहली बात ये है। तो ये एस्टिमेट तब रिवाइज किया जाएगा, दो कंडीशन में रिवाइज किया जाता है। देखिए, एक कंडीशन तो ये है कि अगर जितना भी आपने एस्टिमेट सेंक्शन कराया था, अब वो एस्टिमेट क्या हो चुका है, जितना पैसा आपका लग रहा है अब एक्चुअली में वो सेंक्शन अमाउंट से ज़्यादा है। आपने 2 करोड़ रुपये सेंक्शन कराया था लेकिन काम करते करते पता चला कि 2,50,00,000 रुपये लग जाएंगे, तो वो 50,00,000 रुपये भी तो चाहिए। तो 50,00,000 रुपये के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा एस्टिमेट कि भाई ये 50,00,000 रुपये और कहाँ लग रहे हैं, क्या इसकी नेसेसिटी है और क्यों लग रहे हैं। तो दो कंडीशन में इसको रिवाइज करना पड़ता है। पहली कंडीशन ये कि जितना भी आपने सेंक्शन कराया था, मैं मान लेता हूँ ठीक है कि ओरिजिनल सेंक्शन एस्टिमेट, ओरिजिनल सेंक्शन एस्टिमेट जो था वो कुछ ना कुछ वैल्यू थी। अब जब आपने काम करते करते आपको ये पता चला कि जो एक्सपेंडिचर है ओरिजिनल सेंक्शन एस्टिमेट से वो 5% से क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है। 5% से इंक्रीज होने वाला है तो उस केस में आपको एस्टिमेट क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। पहली बात, पहला केस। और दूसरा केस ये कि आप कोई काम कर रहे थे, मान लेते हैं कि आपने कहा कि सारी वॉल्स बनाने में मुझे 2 करोड़ रुपये लगेगा। फिर से मैं 2 करोड़ का एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे को सारी वॉल्स बनाने में स्ट्रक्चर में 2 करोड़ रुपये लगने वाले हैं, लेकिन वॉल्स बनाते बनाते ये पता चला कि एक पर्टिकुलर आइटम के लिए ठीक है एक्सपेंडिचर ऑन पर्टिकुलर वर्क जो है अगर 10% से इंक्रीज करने लग जाए, तो किसी काम को करने में जो एक्सपेंडिचर है वो 10% से इंक्रीज करने लग जाए तो आप एस्टिमेट को रिवाइज करेंगे। और अगर पूरा का पूरा जो एस्टिमेट आपने तैयार करा था पूरे प्रोजेक्ट के लिए अगर उसकी वैल्यू 5% से ज़्यादा इंक्रीज करने लग जाए तो भी आप एस्टिमेट को क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। मेरी बात क्लियर है? सप्लीमेंट्री तब बनाया जाता है जब हमें एक्स्ट्रा काम करना होता है, लेकिन जब ओरिजिनल जो काम हमने लिया था उसके लिए 2 करोड़ रुपये लगने वाले थे, उस 2 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे उसी काम को करने में लग रहे हैं, तब हमें एस्टिमेट रिवाइज करना है। तो दोनों में डिफरेंस है। क्लियर है मेरी बात? इसके अलावा 4 टाइप का एस्टिमेट भी हमारे पास, एनुअल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। देखिए, नाम में लिखा है एनुअल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। जो एस्टिमेट मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है, जैसे एग्जांपल आपने रोड का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, रोड के कॉन्ट्रैक्ट में आपने कहा कि जी ठीक है मैं 2 साल के अंदर ये रोड का काम करके दे दूंगा इतने पैसे में, आपने करके भी दे दिया, लेकिन हमें ये पता है कि आने वाले टाइम में ये रोड टूटेगी और इसके कुछ ना कुछ रिपेयर और मेंटेनेंस मुझे करनी पड़ेगी। तो जब एस्टिमेट तैयार किया जाता है तो वहाँ पर ये तय कर लिया जाता है, पहले जब सेंक्शन किया जाता है तो उससे पहले से ही तय कर लिया जाता है कि ये जिम्मेदारी अब गवर्नमेंट की है इसको आगे मेंटेन करने की, क्या जो बॉडी या जो ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाने जा रही है, जो काम ये रोड बना रही है, वो आने वाले टाइम में अगले 5 साल 10 साल या लाइफ टाइम कौन इसको मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मैंने ये तय कर लिया कि जी आने वाले अगले 5 साल के बाद रोड बनने से अगले जब जैसे ही मैं रोड खोल दूंगा, ओपन कर दूंगा लोगों के लिए यूज़ करने के लिए, उसके अगले 5 साल तक इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, टूटती है फूटती है कुछ भी होता है, तो उसका जो मेंटेनेंस होगा वो मैं करूँगा।
तो मैं इसलिए पहले से ही एक एस्टिमेट निकाल के रख लूंगा, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट अगले 5 साल के लिए, कि जी हाँ इतना पैसा लगने वाला है, तो इतना पैसा मैं एडवांस में इसमें सेंक्शन करा लेता हूँ, वो उतना पैसा मैं अगले 5 साल लगा लूंगा। तो इसके लिए भी मैं एक एनुअल रिपेयर मेंटेनेंस एस्टिमेट करता हूँ। तो ये चारों एस्टिमेट कब किए जाते हैं ये आपको पता है। तो ये डिटेल्ड एस्टिमेट की कहानी है। तो आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट पता है, आपको डिटेल्ड एस्टिमेट भी पता है, तो दोनों टाइप के एस्टिमेट पता है। अब हम इसके ऊपर क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तो बात थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है, या क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है, तो कोशिश करते हैं समझने की। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं किस पे, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट पे। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टिमेट पे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके आ जाएगा। ठीक है, आपका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग इज 800 स्क्वायर मीटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो बिल्डिंग का प्लिंथ एरिया दिया गया है वो 800 स्क्वायर मीटर दिया गया है, और कुछ डेटा आपको गिवन है, उसके बिहाफ पे आपको काम करना है। कहा गया है कि प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है, प्लिंथ एरिया रेट दिया गया है 4,500 पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर जो आपका पैसा लगेगा वो 4,500 रुपये लगने वाला है। ठीक है, प्लिंथ एरिया भी दे दिया, प्लिंथ एरिया रेट भी दे दिया हमें। इसके बाद कह रहा है कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई। अब उसमें जो कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई आएगा वो करीब 7.5% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, वो भी 7.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगा। ठीक है, मान लिया। इसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स। आर्किटेक्चरल फीचर्स किनको कहते हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। आर्किटेक्चरल फीचर्स उनको कहा जाता है, जैसे आपने देखा होगा खिड़की के बाहर आकृतियाँ बना दी जाती हैं, डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, और बाहर थोड़ा सा बाहर निकाल दिया जाता है तो बरसाती भी बन जाती है खिड़की पे और डिज़ाइन भी बन जाता है, तो वो आर्किटेक्चरल फीचर्स। ठीक है, थोड़ी सी जगह ले रहे हैं वो भी, उनको काम करने में भी पैसा लगेगा। तो आप अगर बड़े प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चरल फीचर्स को बनाने में मेरा 1% बिल्डिंग कॉस्ट का आ जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स, जो आप वहाँ पे रोड्स बनाएंगे उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, लॉन्स बनाएंगे, उनका भी 5% लग जा रहा है बिल्डिंग कॉस्ट में। और उसके बाद कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसीज, ये भी 4% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट है, बिल्डिंग कॉस्ट का 4% है। ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। कह रहा है कि डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग प्रोजेक्ट। तो बिल्डिंग प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट आने वाली है वो मुझे बता दो। तो बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, मुझे प्लिंथ एरिया दिया गया है, प्लिंथ एरिया की मैं बात कर लेता हूं। प्लिंथ एरिया मुझे दिया गया है 800 स्क्वायर मीटर। ठीक है, और प्लिंथ एरिया रेट भी दिया है मुझे, प्लिंथ एरिया रेट भी दिया है, जो कि कितना है, 4,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर, या मैं पर मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि पर मीटर स्क्वायर इतना पैसा लगने वाला है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि 800 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा लग जाएगा। निकाल लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकली, प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। तो प्लिंथ एरिया कितना है, 800 मीटर स्क्वायर, और रेट कितना है, 4,500 पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल पैसा कितना लग जाएगा, टोटल पैसा जो आपका लगने वाला है इसमें वो 36 लाख रुपए लगभग, 36 लाख रुपए कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी प्लिंथ एरिया रेट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोला गया है, उसके बाद बोला गया है कि वाटर सप्लाई में भी 7.5% लग जाएगा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मुझे पता है 36 लाख,
तो इसका 7.5% किस में लग जाएगा, वाटर सप्लाई में, तो 7.5% में इसका और ऐड कर दूंगा टोटल एस्टिमेट में। तो कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई कितने पे दिया, एट 7.5%, ठीक है, 7.5% के हिसाब से निकाल लेते हैं, तो 36 लाख, इसका 7.5% अगर आप निकालेंगे तो 7.5/100, तो ये कितना आ जाएगा, ये 36 लाख का 7.5% जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2,70,000 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई कितनी आ गई, 2,70,000 रुपये आ गई। इसके बाद आपसे सेकेंडरी बोला गया कि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, तो इसमें भी मेरा 15% लगने वाला है, ठीक है, तो 15% और ऐड कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कितने पे, 15% पे कह रहा है, 36 लाख का 15% निकाल लिया जाए, पंद्रह परसेंट निकाल लेते हैं, तो 15% कितना आ जाएगा, 15% आपका आ जाएगा इसका 5,40,000 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में 5,40,000 रुपये लग रहे हैं, वाटर सप्लाई में 2,70,000 रुपये लग जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड हमसे बोला गया है कि आर्किटेक्चरल फीचर्स में भी 1% लग जा रहा है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स कितने पे, 1% पे, तो 36 लाख का 1% कितना हो गया, 36,000, लिख देता हूं डायरेक्टली 36,000, सही है। इसके बाद मेरे से क्या बोला गया है कि और क्या कॉस्ट आने वाली है, और कॉस्ट जो आने वाली है मेरी वो लॉन्स और रोड्स बनाने में आने वाली है, और वो कितना परसेंट है, वो 5% है, तो 5% निकाल लेता हूं, 5% और जोड़ देता हूं, तो कॉस्ट ऑफ रोड्स एंड लॉन्स एट 5%, तो 5% अगर मैं निकाल लूं रोड्स और लॉन्स का तो कितना आ जाएगा, 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये, तो 1,80,000 रुपये इसकी वजह से आ गया, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि किसका और भी चार्ज आने वाला है, किसकी वजह से, कंटेंजेंसी की वजह से, जो अनफॉर्सिन कॉस्ट है मुझे नहीं पता आने वाली है, लेकिन कह रहा है कि ये किसकी होगी, ये होगी 4% बिल्डिंग के कॉस्ट की, बिल्डिंग के कॉस्ट कितनी है, 36 लाख, तो 36 लाख के हिसाब से 4% ये भी निकाल लेते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ये भी जोड़ देता हूँ, कॉस्ट ऑफ दिख रहा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कॉन्टेंजेंसीज कितने पे, 4% के हिसाब से, तो 4% अगर मैं निकालूंगा कंटेंजेंसीज का तो कितना आ जाएगा, 1,44,000 रुपये, 1,44,000 रुपये। तो देखिए जो भी फीचर्स मुझे दिए गए थे और बताया गया था कि 7.5% लगभग इसका लग जाएगा, 15% इसका लग जाएगा, 1% उसका लग जाएगा, तो मैंने सबका परसेंटेज वाइज निकाल लिया कि कितना कितना अंदाजा इनकी वजह से पैसा इसमें लगने वाला है, मैंने ये निकाल लिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, टोटल एस्टिमेट निकालने के लिए इन सबको प्लस कर दूंगा, तो टोटल एस्टिमेट निकालने के लिए मैं इन सारी वैल्यूज को प्लस कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं टोटल कॉस्ट लिख देता हूँ, टोटल कॉस्ट इन सब सारी वैल्यूज को अगर आप प्लस करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आती है, टोटल कॉस्ट मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इन सबको प्लस करेंगे तो 47,70,000, तो कितनी कॉस्ट आ गई, 47,70,000 आ गई। लेकिन अभी इसमें एक कॉस्ट अभी भी बचती है, और वो कॉस्ट है सुपरविजन की कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट भी तो लेगा, तो हमने पहले भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी प्रॉफिट लेता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट नहीं गिवन है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 8% के हिसाब से ले रहा है कॉन्ट्रैक्टर, अगर 8% के हिसाब से ले रहा है तो निकाल लेते हैं, 8% और जोड़ देते हैं, जो भी टोटल कॉस्ट आई है टोटल एस्टिमेट बताने के लिए, मैं इसमें क्या करूंगा, 8% कॉस्ट और जोड़ दूंगा, क्यों जोड़ दूंगा, क्योंकि ये सारा काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर अपना प्रॉफिट भी लेगा, तो मैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी जोड़ देता हूं, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एट 8%, मैंने 8% मान लिया, तो 47,70,000 का
8% निकालना है मुझे, 8/100, तो 47,70,000 का जो 8% आएगा आपका, वो आ जाएगा 381,600 रुपये, 381,600 रुपये। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट है वो इस किस में जोड़ देते हैं, टोटल कॉस्ट में जोड़ देते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, टोटल एस्टिमेट मिल जाएगा। तो मैं टोटल एस्टिमेट बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं टोटल एस्टिमेट बता देता हूं। तो टोटल एस्टिमेट क्या होगा, टोटल एस्टिमेट होगा 47,70,000 प्लस 381,600, तो ये कितना आ जाएगा टोटल, इसको प्लस करेंगे तो 51,600 रुपीज़। तो जो टोटल कॉस्ट आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 51,51,600 रुपीज़। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन ऐसा मेरे को आपका कमेंट्स में देखने को नहीं मिला है। कह रहे हैं सर 15% कहाँ से आया, 15% देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉस्ट ऑफ सैनिटरी इंस्टॉलेशंस और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस में मेरी टोटल 15% कॉस्ट लग जा रही है, क्वेश्चन में गिवन है, और किसकी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग की। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मैंने यहाँ पे निकाल ली है कि इतनी 36 लाख आ रही है, इस 36 लाख में मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 36 लाख का 15% और जोड़ना पड़ेगा टोटल एस्टिमेट में। तो मैंने 15% और जोड़ दिया, 36 लाख का 15% कितना आ गया, 5,40,000 रुपये। तो ये भी कॉस्ट में जोड़ दे रहा हूँ, तो 15% यहाँ से आई है। बिल्कुल आर्मी डे है आज, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको याद है, हम सारे जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनको नमन करते हैं। हाँ बिल्कुल, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, हमारी कोचिंग है यहाँ पे उत्तम नगर में सक्सेस ईज में, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं सक्सेस ईज पढ़ने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट कैसे लेंगे, ठीक है राहुल कुमार जी, कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट देखिए, जो भी आपका टोटल कॉस्ट आया, ये सारी की जो भी आपने कॉस्ट ऑफ आपकी जो भी प्लिंथ एरिया रेट के हिसाब से आई, उसके बाद आपने पानी और सप्लाई करने के लिए जो कॉस्ट आ सकती थी आपने परसेंटेज उसका भी जोड़ लिया उसके अंदर, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस का भी जोड़ लिया, आर्किटेक्चरल फीचर्स का भी जोड़ लिया, सारा कॉस्ट जोड़ने के बाद जो टोटल कॉस्ट आई, ये सारा काम कौन करेगा, कॉन्ट्रैक्टर ही तो करेगा, आर्किटेक्चरल फीचर्स कौन बनाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा भाई, सैनिटरी इंस्टॉलेशंस कौन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टर करवाएगा, वाटर सप्लाई कौन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टर करवाएगा, तो सारा काम करवाने के लिए पैसा लेगा। तो जो भी टोटल कॉस्ट निकल के आती है उसका मैंने 8% मान लिया, जनरली ये 10% होता है, लेकिन मैंने मान लिया अभी एक बार के लिए 8%, फॉर एग्जाम्पल वो कितना भी हो सकता है, मैंने बोला था कि लार्ज स्केल जॉब होती है तो उसके लिए हम 8% लेते हैं, मैंने मान लिया कि लार्ज स्केल जॉब है, तो 8% मैंने किसका जोड़ लिया, टोटल कॉस्ट का जोड़ लिया, और टोटल कॉस्ट का जब मैंने कॉन्ट्रैक्टर में 8% का 8% निकाला तो 8% कितना आया, 381,000, तो वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी मैंने टोटल एस्टिमेट निकालने के लिए उसमें जोड़ दिया, और निकालने के बाद कितना आया, 51,51,600 रुपये। पुष्पेंद्र सिंह पाल जी, 10% कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट चार्ज होता है, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि मैं यहां पे अभी एक बार के लिए 8% मान लेता हूं, आप 10% जोड़ना चाहें 10% जोड़ लीजिए, अगर क्वेश्चन में 8% गिवन होगा तो आप 8% ही जोड़ेंगे, अगर नहीं गिवन होगा तो आप 10% जोड़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने मान लिया कि 8% जोड़ना चाहो जोड़ लो, मैंने 8% जोड़ा है, आप 10% के हिसाब से निकालना चाहो आप 10% के हिसाब से निकाल लो। ठीक है, तो
तो ये क्वेश्चन प्लिंथ एरिया रेट के हिसाब से हमने देखा कि कैसे हमें प्लिंथ एरिया एस्टिमेट करना होता है, कैसे हम टोटल सारे के सारे कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद कैसे कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी जोड़ा जाता है, तो हमने इसको भी देख लिया। इसके बाद हमने दूसरा जो इस टाइप का एस्टिमेट देखा था, वो दूसरा टाइप का एस्टिमेट हमारा क्यूबिकल रेट एस्टिमेट पे था, ठीक है। तो क्यूबिकल के ऊपर भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि क्यूबिकल इससे बेहतर कैसे है, ठीक है। तो देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अब आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से। तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट जो है वो भी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मैं क्वेश्चन एक बार आपके लिए पढ़ देता हूं, समझ लेते हैं क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। प्रिपेयर द रफ एस्टिमेट फॉर अ प्रपोज्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स फॉर अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। प्लिंथ एरिया दिया गया है, पर फ्लोर के हिसाब से दिया गया है कि एक फ्लोर का जो प्लिंथ एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद दिया गया है हाइट ऑफ ईच स्टोरी, हर स्टोरी की हाइट जो दी गई है वो 3.5 मीटर दी गई है, और नंबर ऑफ स्टोरीज दिए गए हैं G+2। तो मतलब एक ग्राउंड फ्लोर है और उसके ऊपर दो फ्लोर हैं, G+2 स्टोरीज दिया गया है। उसके ऊपर साथ में दिया गया है क्यूबिकल कंटेंट रेट, तो जो क्यूबिकल कंटेंट है उसका जो रेट है वो 1000 पर मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब का काम करने में कितने लग रहे हैं, 1000 रुपये लग रहे हैं। और साथ में कुछ डेटा और प्रोवाइड किया गया है, कहा गया है प्रोवाइडेड फॉर अ फॉलोइंग एज अ परसेंटेज ऑफ स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट, ठीक है। तो दिया गया कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट में फिर से 8% मान के चल लो लग जा रहे हैं हमारे, इलेक्ट्रिफिकेशन में 6% लग जा रहे हैं, फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स, भाई ऐसा भी हो सकता है कि सीमेंट आज 50 रुपये का मिल रहा है, कल को ऐसा हो सकता है 52 का हो जाए, कल को फिर दोबारा वो 50 का हो जाए, फिर कभी 55 का हो जाए। तो फ्लक्चुएशन, हर जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो पूरे के पूरे, जितना भी 2 साल 3 साल जो भी लगने वाला है प्रोजेक्ट के दौरान, उसमें मटेरियल जो भी आएगा उसकी रेट्स में क्या हो सकता है, फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो उस फ्लक्चुएशन को काउंटरेक्ट करने के लिए उन्होंने मान लिया कि जो आपका 5% फ्लक्चुएशन ऑफ रेट्स की वजह से भी हो सकता है। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट उन्होंने पहले से ही दिया हुआ है कि 10% मान के चलेंगे आप, तो इस बार उसपेंद्र जी हम 10% मान लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आप खुश हो जाइए। इसके बाद पिटी सुपरविजन एंड कंटेंजेंसीज के लिए उन्होंने 3% कहा है कि भाई 3% आप उसका भी जोड़ देंगे। तो देखिए पिछली बार से इस बार में कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार क्या था, प्लिंथ एरिया दिया गया था लेकिन हाइट नहीं दी गई थी बिल्डिंग की, और इस बार हाइट भी दी गई है, और कितनी एक फ्लोर की भी दी गई है, और कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं ये भी बताया गया है। तो जब ये बताया गया है तो अब आप क्या कर सकते हैं, क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं, और जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि कितनी हाइट है तो आपका जो प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से जो एस्टिमेट क्यूबिकल के हिसाब से निकल के आएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आप ऐसा कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट जो है वो प्लिंथ रेट एस्टिमेट या प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से अच्छा होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ क्या कह रहे हैं, ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है, पुष्पेंद्र जी, ठीक है कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहली बात हमें दिया गया है प्लिंथ एरिया, तो मैं प्लिंथ एरिया यहां पे लिख देता हूं, प्लिंथ एरिया, और प्लिंथ एरिया कितना दिया गया है मुझे, प्लिंथ एरिया दिया गया है 500 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर। एक फ्लोर का जो प्लिंथ एरिया है वो 500 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया मुझे पता चल गया। उसके बाद मुझे हाइट ऑफ ईच स्टोरी दिया गया, हाइट ऑफ ईच स्टोरी दी गई है, एक स्टोरी की जो हाइट है वो कितनी दी गई है,
3.5 मीटर दी गई है, मतलब एक फ्लोर की जो ऊंचाई है वो 3.5 मीटर है, ठीक है, 12 फिट का एक फ्लोर है, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लोर्स मुझे दिए गए हैं, नंबर ऑफ फ्लोर्स मैं बता देता हूँ आपको, जो है G+2 है, मतलब कितने हो गए, ग्राउंड फ्लोर एक और दो फ्लोर उसके ऊपर, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स 3 फ्लोर हो गए। तो 3 फ्लोर भी आपको पता है, ठीक है, 3 फ्लोर। तो मैं पहले तो ये, अगर मुझे क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से करना है पूरा एस्टिमेट, तो मुझे क्यूबिकल कंटेंट कितना है ये भी तो निकालना पड़ेगा। तो क्यूबिकल कंटेंट निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहले मैं एक फ्लोर की निकाल लेता हूँ, और मुझे पता है 3 फ्लोर हैं, तो 3 फ्लोर का टोटल क्यूबिकल कंटेंट निकाल लूंगा। तो एक फ्लोर का क्यूबिकल कंटेंट निकालने के लिए क्या, क्यूबिकल कंटेंट ऑफ ईच फ्लोर क्या होगा, क्यूबिकल कंटेंट ऑफ ईच फ्लोर, ईच फ्लोर, तो देखिए एरिया मल्टीप्लाई बाय क्या होना चाहिए, हाइट होना चाहिए। एरिया मुझे दिया गया है हर फ्लोर का कितना है, 500 मीटर स्क्वायर, सही है। उसके बाद मुझे हाइट भी दी गई है, हाइट कितनी की है, 3.5 मीटर दी गई है, क्लियर है, 3.5 मीटर दी है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कितनी आ जाएगी, 3.5 मीटर के हिसाब से 1750 मीटर क्यूब, 1750 मीटर क्यूब निकल के आ गया एक फ्लोर का क्यूबिकल कंटेंट। तो ऐसे ही मैं 3 फ्लोर का निकाल सकता हूँ, जब एक फ्लोर का पता है तो 3 फ्लोर का निकालने के लिए क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्यूबिकल कंटेंट ऑफ 3 फ्लोर्स कितना हो जाएगा, 3 × 1750, मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, 5250 मीटर क्यूब। तो टोटल क्यूबिकल कंटेंट जो मुझे काम करना है वो कितना काम करना है, 5250 मीटर क्यूब के लिए काम करना है, ठीक है। कोई क्या क्वेश्चन है, ठीक है पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल 1750 आपने बिल्कुल सही निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूबिकल कंटेंट वो आपका एक फ्लोर का है, मैं 3 फ्लोर का बता रहा हूँ, 3 फ्लोर का कितना आ जाएगा, 5250 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ठीक है, आपको ये पता है कि एक पर मीटर क्यूब के लिए कितना रेट है, 1000 है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस टोटल के लिए निकाल सकते हैं कि इतने के लिए कितना लग जाएगा, निकाल लेते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर का कंटेंट अब रब कर देता हूं आपके लिए, क्योंकि अब हमारे जो काम का है वो तीनों फ्लोर का क्यूबिकल कंटेंट है। तो मैं लिख देता हूं क्यूबिकल कंटेंट कितना काम करना है मुझे, 5250 मीटर क्यूब का काम करना है, ठीक है, 5250 मीटर क्यूब का काम करना है। साथ के साथ रेट मुझे पता है, रेट कितना है, 1000 रुपए पर मीटर क्यूब। तो इसके हिसाब से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि टोटल कितना है कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल लेता हूँ। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, रेट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्यूबिकल कंटेंट को। तो वॉल्यूम मतलब, या तो मैं लिख सकता हूँ क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, क्वांटिटी कितनी है, 5250 मीटर क्यूब, रेट कितना है, 1000 पर मीटर क्यूब। तो कितना आ जाएगा टोटल, टोटल कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे, टोटल आ जाएगा 52.5 लाख रुपीज़ आपके लग जाएंगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में। अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से जो आपका पैसा लगने वाला है वो कितना लगने वाला है, 52.5 लाख लगने वाला है, ठीक है। अब इसके बाद आपको कुछ डेटा और भी दिया गया था, और वो डेटा क्या था कि भाई वाटर सप्लाई में भी आपके क्या लगने वाले हैं, 8% लगने वाले हैं सैनिटेशन के लिए और वाटर सप्लाई के लिए। तो उसका पैसा भी 8%, इसकी कॉस्ट का 8% उसमें जोड़ना पड़ेगा टोटल एस्टिमेट निकालने के लिए। तो टोटल एस्टिमेट निकालने के लिए जोड़ देते हैं। दीप मुखर्जी कह रहे हैं कि सर प्लीज एसएससी जेई के क्वेश्चन करा दीजिए। जी बिल्कुल करा देंगे आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे, अभी आप बड़े बड़े क्वेश्चंस करिए, क्योंकि इन्हीं में से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकाल के वो बनाते हैं। तो जब आपको ये नहीं आता होगा तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पेपर देख के क्या करोगे आप, ठीक है। तो कन्वेंशनल का पेपर भी देना है आपको, तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों के हिसाब से चल रहे हैं हम। तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करिए, हम आपके साथ बने हुए हैं, आप जो मैं कह रहा हूँ आप बस उतना करते रहिए, आपका पेपर आराम से सॉल्व हो जाएगा।
क्या कह रहे हैं ये, ठीक है तो मैं 8% जोड़ देता हूं किसका, वाटर सप्लाई का, ठीक है। तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के लिए, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंस्टॉलेशंस के लिए कितने पे, 8% के हिसाब से 8% निकालेंगे 52.5 लाख का, कितना आ जाएगा 8%, 8% आ जाएगा 4.21 लाख, 4.21 लाख। तो 4.21 लाख आपका वाटर सप्लाई का आ जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितने लगने वाले हैं, 6% लगने वाले हैं, तो 6% इलेक्ट्रिफिकेशन का भी जोड़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन एट द रेट 6%, तो 6% अगर आप निकालते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तो कितना आ जाएगा 3.15 लाख। तो 52.5 मल्टीप्लाई बाय 6/100 कितना आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे, 3.15 लाख। इलेक्ट्रिफिकेशन का भी आपने जोड़ दिया, उसके बाद फ्लक्चुएशन भी हो रहे थे रेट में, तो वो आपने मान लिया था 5%, ठीक है, 5% उसका भी जोड़ देते हैं। तो फ्लक्चुएशन एट द रेट 5%, तो 5% इसका निकाल लेते हैं, तो 52.5 मल्टीप्लाई बाय 5/100 कितना आ जाएगा, 2.625 लाख। तो फ्लक्चुएशन की वजह से, 5% की वजह से 2.625 लाख और जुड़ गए, ठीक है। अब इसके बाद दो चीजें और बचती हैं, एक कंटेंजेंसीज का चार्ज बचता है और एक सुपरविजन मतलब कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट जुड़ता है। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने जो आपका कंटेंजेंसीज का चार्ज था वो बिल्डिंग कॉस्ट के साथ ही जोड़ दिया था, लेकिन इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे। पिछली बार हमने ऐसा क्यों किया था, पिछली बार हमने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसमें क्वेश्चन में गिवन था कि कंटेंजेंसीज का चार्ज जो आपको लेना है वो कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग के 5% या 8% जितना भी बोला गया था उसके लिए उसका 5% या 8% लेना है। लेकिन अगर कभी गिवन नहीं हो तब हम ये जो टोटल कॉस्ट हमारी अभी तक आ गई है इसके ऊपर कंटेंजेंसीज का चार्ज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वो अनफॉर्सिन कॉस्ट जो फ्यूचर में आ सकती है मुझे अभी नहीं पता, वो इन किसी भी कामों में आ सकती है, वो इनमें से किसी भी काम में आ सकती है। तो पिछले क्वेश्चन में वो गिवन थी कि आप इस पर्टिकुलर इतना परसेंट इतनी कॉस्ट का लीजिए, तो मैंने लिया था, लेकिन अगर मुझे नहीं गिवन होगा तो मैं कैसे लूंगा, ये जो टोटल कॉस्ट अभी आने वाली है इन सबको ऐड करने के बाद उसका मैं उसके ऊपर मैं जोड़ूंगा, ठीक है। तो देखते हैं टोटल कॉस्ट निकालता हूं मैं, तो टोटल कॉस्ट अगर आप क्या करेंगे 52.5 लाख प्लस इसके बाद क्या कॉस्ट आ गई एक 4.21 लाख, इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से 3.15 और इसके बाद फ्लक्चुएशंस की वजह से 2.625 लाख, तो ये सारी की सारी कॉस्ट आई है। इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 62.475 लाख। तो जो टोटल कॉस्ट अभी तक आई है स्ट्रक्चर की वो कितनी आई है 62.475 लाख। अब इस कॉस्ट के ऊपर, ये जो टोटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट आई है इस कॉस्ट के ऊपर मैं क्या लगाऊंगा, कंटेंजेंसीज का चार्ज लगाऊंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कंटेंजेंसीज का चार्ज पिछले क्वेश्चन में मुझे दिया गया था कि बिल्डिंग कॉस्ट के ऊपर लेना है मुझे, लेकिन इस बार जब मुझे गिवन नहीं है तब मैं कंटेंजेंसीज का चार्ज इस टोटल कॉस्ट के ऊपर लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि कंटेंजेंसीज जो कि क्या होती है, अनफॉर्सिन कॉस्ट जो आने वाली है मुझे नहीं पता आ सकती है, जो कि मैंने 3 से 5% बोला था, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में कितना बोला है 3% ले लो, तो मैं 3% ले लेता हूं, लेकिन किसके ऊपर, टोटल कॉस्ट के ऊपर लूंगा। क्यों, क्योंकि अनफॉर्सिन कॉस्ट इन सारे कामों में आ सकती है। किसी का कोई सवाल है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट हमें पता चल गई है, टोटल कॉस्ट के ऊपर मैं क्या कर देता हूं, कंटेंजेंसीज का चार्ज ऐड कर देता हूं, ठीक है। मैं ऊपर का आपका ये रब कर रहा हूं,
तो कंटेंजेंसीज, कंटेंजेंसीज कितना बोला है 3% ले लो, तो 3% किसका, टोटल कॉस्ट का ले लेते हैं, तो कितना आ गया टोटल का 62.475, इसका 3% निकालो कंटेंजेंसीज, 3% कितना आ जाएगा इसका, 3% कैलकुलेट करेंगे इसका, 3% निकालने के बाद कितना आ जाएगा 1.874 लाख। तो कंटेंजेंसीज का चार्ज आ गया, वो अनफॉर्चुन कॉस्ट जो आने वाली है मुझे नहीं पता, तो उसके लिए मैंने 1.874 लाख रुपीस पहले से रख लिए हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट भी देना है, कितना 10% देना है, तो दे देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स का प्रॉफिट कितने 10% के हिसाब से दे देते हैं, तो 62.475 × 10/100 10% 62 point something का कितना आ जाएगा 10% 6.2475 लाख। तो ये कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट आ गया। अब जो टोटल एस्टिमेट है वो किससे बनेगा, टोटल एस्टिमेट क्या होगा, टोटल एस्टिमेट जो होगा आपका, जो आपकी टोटल कॉस्ट आई थी, टोटल कितनी आई थी 62.475, उसके बाद आपने कंटेंजेंसीज के लिए भी 1.874 रखा, और उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के लिए 6.2475 रखा, तो ये टोटल कॉस्ट जब आप मिलाएंगे तो 70.596 लाख रुपीज आ जाएगा, 70.596 लाख रुपीज। तो ये टोटल कॉस्ट आपकी क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से निकल के आती है। तो क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से जो आपकी कॉस्ट निकल के आती है 3 फ्लोर की बिल्डिंग के लिए, जो कि G+2 थी आपकी, तो क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से आप कैसे रेट निकालेंगे, टोटल एस्टिमेट आपने किस हिसाब से निकाला, ये आपको प्रोसीजर अब पता है। तो पूरा प्रोसीजर किस हिसाब से आ जाएगा, इसके हिसाब से आएगा, और टोटल कितना आएगा 70.596 लाख। इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ मैं, 70.6 लाख क्या देता हूँ, ठीक है 70.6 लाख रुपीज आपके इस क्यूबिकल कंटेंट रेट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट लग जाएंगे। मेरी बात क्लियर है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, ठीक है 70.56 लाख। गुलशन जी बिल्कुल सही है आपका भी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। विकास कुमार भगत जी 70.58, आपका भी बिल्कुल आंसर सही है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। पुष्पेंद्र जी आपका भी बिल्कुल सही आंसर है, इतना फ्लक्चुएशन आपके आंसर में कोई दिक्कत की बात नहीं है, सबका 70 point something आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल सही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद मैंने थर्ड मेथड की भी बात करी थी आपसे, ठीक है थर्ड मेथड की अगर मैं बात करूँ, क्या कह रहे हैं इंजीनियरिंग ड्रॉइंग का एस्टिमेट बता दें दानिश जी। देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का एस्टिमेट, ये जो एस्टिमेट आप निकाल रहे हैं वो कहाँ से निकाल रहे हैं, ड्राइंग में से ही तो निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको एस्टिमेट बताने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, ड्राइंग की रिक्वायरमेंट है। ड्राइंग के अंदर ही आपकी क्या दी होगी कि जी हाँ आप जो फुटिंग डालने जा रहे हैं उस फुटिंग का लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, ब्रेड्थ इतना है, तो उसके हिसाब से डिटेल में काम करेंगे अभी, क्लियर है। ये अभी हम अप्रॉक्सीमेट में चल रहे हैं, तो ये एस्टिमेट अभी अप्रॉक्सीमेट इतना इतना आ सकता है उसके हिसाब से चल रहा है। जब हम डिटेल में बात करेंगे तो ड्राइंग यहाँ पे बिल्कुल बनाएंगे आपके लिए, उस ड्राइंग के हिसाब से टेबल को भरा जाएगा, उसके हिसाब से क्वांटिटी निकाली जाएगी और उसके हिसाब से पैसा निकाला जाएगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपके लिए काम किया जाएगा। बिल्कुल टू वॉल मेथड कह रहे हैं, जिसे आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहते हैं, वो भी आपको कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं ठीक है बिल्कुल आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, बिल्कुल की जाएगी, आप चिंता मत करिए। सत्यम जी स्टील भी पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, पहले आप कॉस्ट एंड एस्टिमेशन पूरा कर लीजिए, उसके बाद आपका स्टील भी करा देंगे, आप दिक्कत मत मानिए, बिल्कुल दिक्कत मत मानिए। जितने भी लोग हैं ये और भी सब्जेक्ट्स का नाम ले रहे हैं, पहले इसको तो पूरा कर लीजिए, फिर आप कहेंगे कि एक सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाता है हमारा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन की बात है तो क्वेश्चन में मैं आपको एक बता देता हूँ कि हमारा एक और पेज है, एक पेज हमारा और भी है जो कि फेसबुक में आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें हम रोज क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करते हैं, उस क्वेश्चंस को आप रोज लगाइए, वो क्वेश्चंस में हम आपका जो भी आप आंसर करते हैं उसका रिप्लाई भी देंगे कि आपका आंसर सही है कि गलत है, आपको आपका आंसर भी पता चल जाएगा। तो पेज का नाम मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेंगे अपने पास,
एट द रेट बेसिक एजुकेशन, एट द रेट बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन आप अगर फेसबुक में सर्च करेंगे तो आपको इसके नाम से ग्रुप भी मिल जाएगा और आपको पेज भी मिल जाएगा। आप इसमें ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हैं और पेज में जो भी क्वेश्चंस अपलोड होते हैं आप उनको आंसर कर सकते हैं। रोज के रोज आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपलोड किए जाते हैं, आप उनको आंसर करिए और अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखिए। साथ में एक हमारा और भी चैनल है जिसमें हम शॉर्ट वीडियोज़ बनाते हैं आपके लिए, जैसे छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं या कोई क्वेश्चन है उसका आंसर हम आपके लिए बना देते हैं, तो उन क्वेश्चंस को और उन आप जो टर्म्स हैं उनको अच्छे से आंसर कर पाएँ। इसके अंदर आप इंटरव्यू में अगर आप जाते हैं तो आप उनको आंसर कर पाएँ, इसलिए आपके लिए वो एक अलग से प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि आप सिविल इंजीनियरिंग बाय शुभम अग्रवाल, अगर आप सर्च करते हैं YouTube में, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बाय शुभम अग्रवाल सर्च करते हैं तो बेसिक एजुकेशन चैनल आपको शो अप होगा, उसमें मेरा फोटोग्राफ लगा है, आप उसकी वीडियोस देख सकते हैं। अभी थोड़ी बहुत वीडियोस हमने आप ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर दी हैं, तो आप उसमें वीडियोस देख के आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप इस पेज को और इस चैनल को फॉलो करें ताकि आपको यहाँ से आपको अच्छा खासा डेटा आपको इकट्ठा होता रहेगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आप शॉर्ट वीडियोस, आप इंटरव्यूज़ की और छोटे छोटे टेक्निकल टर्म्स की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास देखिए ये सब बातें ठीक हैं, हमने प्लिंथ एरिया पे भी क्वेश्चन करके देखा, क्यूबिकल कंटेंट के हिसाब से भी करके देखा, सुहेल जी आप कह रहे हैं कि एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर पेपर जो है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, बिल्कुल आपको ये सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। उसके बाद यहीं पे इसी चैनल पे आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसके लिए अलग से मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, उसमें आप सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं और जो क्वेश्चंस मुझे लगता है कि आ सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। देखिए कंप्लीट की चिंता मत करिए, कंप्लीट मैं करवा दूंगा, लेकिन आप तैयारी कीजिए, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस समझते जाइए, समझना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब थर्ड मेथड की बात करते हैं, लास्ट मेथड को, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट में हम थर्ड मेथड की बात करते हैं। थर्ड मेथड आ जाते हैं सर्विस यूनिट रेट के हिसाब से, ठीक है। हमने बात करी थी कि एक और मेथड था हमारे पास सर्विस के हिसाब से, हम सर्विस के हिसाब से पैसा लेते हैं, तो सर्विस के हिसाब से जो लेते हैं उसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं प्रिपेयर एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, प्रिपेयर एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑन रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर 50 बेड्स। तो देखिए बेड के हिसाब से काम चल रहा है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया था फॉर 50 बेड्स द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर फॉर ईच बेड इज रुपीज 60,000। तो एक बेड की कॉस्ट के लिए, एक बेड की कॉस्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर एक बेड का हॉस्पिटल बनाता हूँ तो 60,000 रुपये का खर्चा आ जाता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग पूछ रहा है, ठीक है। तो हमसे बोल दिया गया है कि 50 बेड का आपको हॉस्पिटल बनाना है और एक बेड को बनाने, एक बेड की कॉस्ट वाला बिल्डिंग बनाने में मुझे, हॉस्पिटल बनाने में मुझे 60,000 रुपये लग जाते हैं। तो जब एक बेड का हॉस्पिटल बनाने में मुझे 60,000 रुपये लग रहे हैं तो 50 के हिसाब से कितने लगेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टोटल एस्टिमेट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 60,000 कितना आ जाएगा, ये कितना पैसा लग जाएगा, 30,00,000 रुपए लग जाएगा इस हिसाब से। तो 30,00,000 रुपए लगने वाले हैं आपके अगर आप 50 बेड का हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। तो ये सर्विस के हिसाब से है कि आपने बता दिया कि एक बेड का बनाने में मुझे अगर 60,000 रुपए लगते हैं तो 50 का मैं बनाना चाहता हूँ या 200 का बनाना चाहता हूँ या 500 का बनाना चाहता हूँ, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने 50 का लिया है, तो 50 के हिसाब से कितना पैसा लग जाएगा, 30,00,000 रुपए लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं ये कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि आप सॉल्व करके बता दीजिए। तो एस्टिमेट कैसे प्रिपेयर करना है आपको एग्जाम के अंदर, तो आप ये आराम से बता सकते हैं।
बिल्कुल दीप मुखर्जी, पूरा सब्जेक्ट आपको कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। तो मैं जितना मैंने आज आपको बताया है उतना आप पढ़िए इसको, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं अगले लेक्चर में आपको क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ओके। और अब हम 2 दिन के बाद मिलेंगे आपको, 2 दिन के बाद आपको लेक्चर में आपको डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है, जो आप कह रहे हैं ड्राइंग के हिसाब से लेंथ ब्रेथ और हाइट के हिसाब से करा दीजिए, तो वो भी आपको करा देंगे, लेकिन आप 2 दिन का बिल्कुल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अभी। तो 2 दिन के बाद मैं आपको मिलता हूँ दोबारा, और आपको डिटेल्ड एस्टिमेट कैसे निकाला जाता है ये प्रॉपरली मैं आपको बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज आर्मी डे है तो आप उसकी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, और हमारी आर्मी दुनिया की बहुत सक्षम आर्मी मानी जाती है, तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।